देशातील सर्वोत्तम म्हणून नावारूपास आलेले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाच्या शेजारी असलेल्या उद्यानात भर दिवसाही दारूच्या पार्ट्या चालत आहेत. मात्र याकडे पोलीस व मनपा प्रशासन दुर्लक्ष करत असून परिसरातील रहिवासी महिला मात्र त्रस्त झालेल्या आहेत. याच उद्यानाच्या नजीक काही वर्षापूर्वी एकाची हत्याही झालेली होती. त्यामुळे अनेक वर्षापासून या उद्यानाला कायम सुरक्षा रक्षक देण्याची मागणी होत आहे. पाहूयात याविषयीचा एक स्पेशल रिपोर्ट. आपण पाहत आहात उद्यानात असं दृश्य आहे की नुकतीच पार्टी संपलेली आहे. सर्वत्र बाटल्यांचा खच आहे. यामध्ये बियरचे कॅन आहेत, पाण्याच्या बाटल्या आहेत, प्लॅस्टिकचे ग्लास आहेत, दारूच्या बाटल्याही आहेत. याबाबत ज्येष्ठ नागरिक कट्ट्याला भेट दिली असता तेथील नागरिकांनी काय प्रतिक्रिया दिली आपण पाहूयात. हम अभी सेक्टर 15 ऐरोली के स्वामी विवेकानंद गार्डन में खड़े हैं. स्वामी विवेकानंद एक बहुत बड़ी हस्ती थी. उसके बगल में शायद भारत का सबसे बड़ा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का स्मारक है और उसके सामने ये स्वामी विवेकानंद गार्डन है. इतना अच्छा गार्डन सजाया है लेकिन कुछ विघातक तत्व यहाँ पर आकर रात में पार्टियाँ मनाते हैं. ना तो यहाँ सिक्योरिटी रहता है और ना ही लोगों को भी सेंस है कि यहाँ दारू पीने की जगह नहीं है. दुनिया भर के अभी आपने बॉटल्स देखे, प्लास्टिक के बॉटल्स है, प्लास्टिक का दुनिया भर का कचरा है, दारू के बॉटल्स है और बाकी भी खाने पीने की भी चीज़ें. आप यहाँ रेगुलर आते हैं, क्या कहेंगे इसके पहले आपने कुछ क्या आपके सामने आया? हम लोग तो सवेरे वॉकिंग करते हैं, जब भी दिखता है सब बॉटल बिटल सब ऐसा पीते हुए तो कोई दिखता नहीं लेकिन सवेरे बॉटल गिरा दिखता है. कभी मैं सुना कि इधर कुछ मर्डर का भी हादसा हुआ है. इधर दारू पी के बच्चे बच्चे लोगों में मारामारी हो गया है. दारू को बियर का बॉटल से एक दूसरे को और उसका केस भी हो गया है. पुलिस आया था इधर. जो भी कोई आता है पीने के लिए रात को ही आते हैं, वो दिन में तो नहीं होंगे क्योंकि सब घूमते रहते हैं इधर. तो हम लोग भी राउंड रूंड मारते तो वही साइड में जगह एक है उधर ही देखते हैं. बियर का बोतल पड़ी रहती है, दारू का भी है, वो पैकेज खाने वाला भी है, वो सब ऐसे पड़ा रहता नीचे उधर. वो यहाँ सीनियर सिटीजन पर अच्छा नहीं है ऐसा मैं बहन क्या है. ये अच्छी जगह बनाई है घूमने फिरने के लिए, आपको टहलने के लिए, सब बच्चों के लिए भी है, लेकिन गंदगी मत करो, साफ सुथरा रखो. आप भी यहाँ आते हैं सीनियर? सर मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैं 70 ईयर्स का उम्र है सर. मैं यहाँ पहले से आता हूँ, घूमने के लिए आता हूँ. आज असामाजिक तत्व यहाँ पे डेरा डाल के बैठे हैं और इतने ज़्यादा ख़राब कर दिए ना कि उससे आने वाले कल में हम जैसे सीनियर सिटीजन का क्या होगा. हमको डर लगता है इधर आने के बाद में. और ये डर हमें प्रार्थना है अधिकारियों से, इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाए और हम जो 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 70 साल के सीनियर सिटीजन है उसको राहत दिया जाए. हम क्यों आते, आसन करते, ईश्वर का नाम लेते, धर्म का नाम लेते, हम लोग देश की रखते, देश की सोचते, हम लोग आके हमारा ये हालत करते हैं लोग. यहाँ पर लेडीज लोग भी आती है लेकिन अगर शराब के बोतल्स वगैरह देखते हैं तो लेडीज ही नहीं, लेडीज सब बच्चे लोग, लेडीज सब शाम के टाइम में सब घूमने के या बैठने को खेलने के लिए बच्चे आते हैं. लेकिन वो 7-8 बजे के बाद ही ये सब होता होगा. इतना जल्दी तो रात में सब होता होगा जी, इतना जल्दी नहीं. 7 से पहले तो कोई होता नहीं होगा मेरे ख्याल से इधर. एकंदरीत या समस्येविषयी विभाग अधिकारी यांना विचारणा केली असता लवकरच उपाययोजना करू असे अधिकारी छाप उत्तर देण्यात आले. नवी मुंबई आवाज ब्युरो रिपोर्ट. नवी मुंबई आवाज को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन और पाइए नवी मुंबई और पनवेल से जुड़े ताजा तरीन खबरें.